Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum, dear students. I am Muhammad Rizwan Khan Khan, teaching YouTube channel se aapki khidmat mein hazir hoon. Umeed karta hoon tamam students, teachers, parents khairiyat se honge aur Allah Taala ki hifz o aman mein honge. Dear students, aapko tamam students ko ek badi khushkhabri, bahut achhi khushkhabri, Wazir-e Taleem ka ek aham bayan jari hua hai. To aap tamam students ko mubarakbad deta hoon. To aap tamam students jo hai video ko zarur dekhiyega, skip nahi karna taaki aapke mind mein jo bhi confusion hai wo aapki clear ho sake. Bahut hi achhi news hai aur saath saath agar aap is channel pe naye student hain to lazmi se Khan Teaching YouTube channel को लाज़मी से सब्सक्राइब करें और साथ जो बेल आइकन बनी हुई है उसको लाज़मी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके. थैंक यू वेरी मच. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है स्मार्ट सिलेबस मुतारफ करवाया, उससे पहले फेडरल जो गवर्नमेंट थी उसने स्मार्ट सिलेबस मुतारफ करवाया और मैट्रिक तक जो है वो स्मार्ट सिलेबस आया, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का स्मार्ट सिलेबस लॉन्च किया गया है. तो जैसे ही स्मार्ट सिलेबस आया तो स्टूडेंट्स को ये बताया गया और बातें यही की गई चैनल पर भी 30% 35% 40% सिलेबस में कमी की गई है, कोई कह रहे थे 45% तक कमी की गई है. तो इस सिलसिले में एक न्यू अपडेट आई है, वो आपको बता दूं आपके तमाम स्टूडेंट्स के स्मार्ट सिलेबस के मुतल्लिक. तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्मार्ट सिलेबस का नहीं पता कि अभी तक हमारा स्मार्ट सिलेबस है क्या. तो आपको बता दूँ कि जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का जो सिलेबस है यानी प्राइमरी एलिमेंट्री का सिलेबस है वो वही है, उसमें कोई रद्दबदल नहीं किया गया, वो वही है जो आपको पहले जारी किया गया फर्स्ट पार्ट में जारी किया गया. तो दूसरी जो बात है वो आपके स्मार्ट सिलेबस 9th और 10th की है. 9th और 10th का जो स्मार्ट सिलेबस है उस सिलसिले में आपको बता दूं कि पहले जो जितनी भी न्यूज़ आई उसमें 30-35% जो है वो बताया गया स्मार्ट सिलेबस में कमी की गई है. लेकिन अब जो आपकी कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दूं कि आपको तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनका स्मार्ट सिलेबस में ऑलमोस्ट 55% तक कमी की गई है, 45% सिर्फ आपने पढ़ना है. तो आप अपना जो है तैयारी है बोर्ड इम्तहान 2021 की वो आपने उसके अकॉर्डिंग करनी है क्योंकि SOPs के मुताबिक अगर देखा जाए एक दिन स्कूल आना एक दिन ना आना तो उस सिलसिले में एक बीच में संडे भी आ जाते हैं तो एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 12 दिन सिर्फ आपने स्कूल जाना होता है. तो उसको सामने रखते हुए तकरीबन 55% तक जो है उसमें कमी की गई है. इसके मुताबिक आपका बोर्ड इम्तिहान 2021 होगा और उस सिलसिले में जो न्यू अपडेट है कि हो सकता है आप तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके बोर्ड इम्तिहान 2021 के अंदर मार्क्स जो है सब्जेक्ट वाइज उसमें भी कमी की जाए. तो यह बात मार्क्स के हवाले से वो अब आपको जैसी कोई न्यू इंफॉर्मेशन आएगी बोर्ड की जानिब से गवर्नमेंट की जानिब से तो वो भी आपको टीचिंग YouTube चैनल से बताई जाएगी. अब तक की न्यूज़ के मुताबिक आपके स्मार्ट सिलेबस में 55% तक कमी की गई है और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्मार्ट सिलेबस जो है वो भी आ चुका है, उसमें 30-35% तक जो है वो कमी की गई है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने को जरूर वीडियो पसंद आई होगी. इस तरह की और भी लेटेस्ट और गुड न्यूज़ के साथ खान टीचिंग यूट्यूब चैनल से आपको बर वक्त बताया जाएगा. आप तमाम स्टूडेंट्स जो है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके. थैंक यू वेरी मच.